वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आई होप आप सब एकदम परफेक्टली फिट हो गए और अस्सी भी बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। व्लॉग स्टार्ट करने तो पहले मेरे चैनल पे आने वाले सब नए फ्रेंड तो काइंडली रिक्वेस्टेड है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियो, मेरी वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, थैंक यू सो मच। अच्छा जी फ्रेंड्स, आप सोच रहे हैं किचन च खड़े होकर आज व्लॉग स्टार्ट करी है, तो किचन च इसलिए खड़े होकर व्लॉग स्टार्ट करी है क्योंकि आज बहुत सारा काम करना है, बिजी 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 टाइम। तो मैं सब तो पहले जाके जल्दी जल्दी अपना सारा काम शाम डन कर दिया, जो भी कुकिंग शकिंग करूँगी सब वो आपके नाल शेयर करूँगी, क्योंकि आपको पता है ना मेरी फ्रेंड जो है ना उसने आज पार्टी रखी है, क्रिसमस पार्टी, तो वो कह रही थी मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए कुकिंग में, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम, हम हाज़र हैं। तो बस अभी मैं थोड़ा सा उसके लिए जो खाना शाना उसने मुझे कहा है वो थोड़ा सा बना शना के सारा रेडी शेडी करके ना फिर आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि कुकिंग करते वक्त मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। टाइम उसने मुझे कहा है कि मुझे 5 बजे तक खाना देना है, तो ना ले आना मेरे घर, तो इसलिए यह है कि मैं जल्दी जल्दी से ना अपना सारा कुछ ना डन कर लूँ। तो अभी सब कुछ डन करके फिर आप लोगों से मिलते हैं। अभी जी फ्रेंड्स, मैं आ चुकी हूँ गराज में, क्योंकि सारा खाना जो मैंने रेडी किया था रेडी करने के बाद यहाँ गराज में मैं ना ट्रेडमिल के पास रखती गई हूँ, ताकि फिर यहाँ से निकालेंगे और फिर हम सीधा लेके गाड़ी में जाएंगे। लोग ट्रेडमिल यूज़ करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए और मेरे काम चेक करो, मैंने रखा है खाना, लेकिन चलो कोई बात नहीं क्योंकि मैंने कहा था ज़मीन पर नहीं रखूँ ना, चलो थोड़ा सा ऊँची जगह पर रख देते हैं ना, क्या पता कोई चीज़ ना अंदर चली जाए, बस ये सेफ्टी के लिए ना, सेफ्टी इज़ ऑलवेज फर्स्ट। तो अभी बस जल्दी से सारी चीज़ें जो बनाई हैं यहाँ रेडी कर ली हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ना पिक्चर शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी सारी सजा वजा के ना कवर की हुई है, यहाँ ऊपर ना एक साइड पे मैं आप लोगों के साथ ना सारी तस्वीरें शेयर करूँगी क्या क्या मैंने बनाया। और अभी जल्दी से चलते हैं और आप लोगों को किचन की भी लुक दिखाती हूँ। और ये है जी किचन की लुक आफ्टर कुकिंग। ये नहीं कि फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा कुकिंग करने के बाद मैं ना किचन में एकदम से हर तरफ गंद डला रहने दूँ और बैठ जी मैं थक गई हूँ, नहीं, सारी कुकिंग करने के बाद मैं अपने सारे किचन की अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ। देखें स्टोव भी एकदम से अच्छे से क्लीन है, काउंटर भी सारे एकदम से अच्छे से क्लीन है, और सारी डिशेस वॉश करके उन्हें ड्राई करके जहाँ जहाँ रखना है उनको वहाँ भी रख दिया है, और सिंक भी एकदम से चम चमाचम चकाचक या चमाचम जो भी समझ लें, और देखिए एकदम से नया मैंने किचन कर दिया। ये नहीं कि कुकिंग करो और उसके बाद सारा गंद जंद छोड़ के तो जाके बैठ जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुकिंग करो उसके बाद सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख के सारी क्लीनिंग करके फिर जाके आराम से बैठ के जो मर्जी करो। ओवन अभी भी चल रहा है क्योंकि चावल हैं ओवन के अंदर, तो अभी भी 15 मिनट मुझे और वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए ओवन को करते हैं बंद और जल्दी से करते हैं वजू और पढ़ लेते हैं असर की नमाज। वजू करके जायनमाज बिछा लिया है और अभी जल्दी से पढ़ लेते हैं नमाज और फिर नमाज के बाद आप लोगों से मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 2 3 माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। चावल मैंने ट्रे में निकाल लिए थे और देखे एकदम से देखे लंबे लंबे से बने, बिल्कुल भी चावल नहीं टूटे, ये देखे ये जबरदस्त। चले मैं इसको इसको भी कवर कर दे, ये ले। सारा सामान वासिफ ने और उमैस ने गाड़ी में रख लिया, बच्चे भी जैकेट पहन के बाहर चले गए और मैंने भी एकदम से अपर ले लिया, एक बार चेक कर लूँ कि सारा कुछ रख लिया, कुछ भूल ना जाऊँ। सांस चढ़ गया भागते भागते, मगर अब की नमाज का भी टाइम हो गया, अभी मैं ना गाड़ी में पढ़ लूँगी क्योंकि मैंने ना वजू रहा है मेरा। आ गया सारा कुछ पूरा मैस, सारा कुछ रख लिया, बच्चे देखे कितना शोर कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। वहाँ से दरवाज़ा ला लिया, अच्छा अगर कितने जाना तो लाख लाख के जाए प्लीज़, ओके। वो देखिए आज फाग धुंध जिसे बोलते ना वो डली हुई है, भी दिन में डल गई है, सारा दिन बाहर ही निकली, कोई पता ही नहीं आज क्या हाल वाल वाइट है। बच्चे दोनों एक तन कार सीट में बैठ चुके हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, हम लोग घर से निकल चुके हैं और नेविगेशन लगा लिया है, हम लोग पहुँचेंगे 5:17 पर और हमें लगेंगे 20 मिनट क्योंकि आज ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, वैसे भी सैटरडे है, क्या पता आगे जाके मिल जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन दुआ यही है कि ना ट्रैफिक मिले इंशाल्लाह ताला। और अभी जल्दी से आप लोगों को मिलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे जाके इंशाल्लाह ताला। अभी बस पहुंच चुके हैं और मैंने आप ही को कॉल किया, कहती मैं अभी आ रही हूँ, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना यहाँ पे, खुला एरिया ना तो ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। अस्सलाम
Assalamualaikum friends, good morning. Next day शुरू हो चुका था और time हो रहा इस वक्त 12:30। तो friends मैंने सबसे पहले आके नीचे ना निम्रा को थोड़ी देर स्टडी करवाई। मैंने कहा निम्रा आप पहले स्टडी कर लो, फिर ना मैं बिजी हो जाती हूँ किचन में, फिर मुझे ना बाद में ना टाइम नहीं मिलता निम्रा को पढ़ाने के लिए। सबसे पहले मैंने निम्रा की स्टडी करवाया और उसके बाद फिर मैंने पढ़ी है जी जोहर की नमाज। जल्दी से जी जाए नमाज की तैब लगा देते हैं। मैंने कहा पहले सारे ये वाले काम ख़त्म करने के बाद फिर ही मैं किचन में जाऊंगी और नाश्ता करूंगी। बच्चों ने वैसे सुबह सुबह दूध पी लिया था बस। अभी जल्दी से निम्रा की बुक्स रखते हैं साइड पे और बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। देखें खूब खलारा खलूरा डाल दिया इन्होंने। मैंने कहा बुलाओ आप लोग खेलो और मम्मा ना किचन में जाए नाश्ता बनाए आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। चाय के लिए पानी मैंने ऊपर रख दिया था और पानी को बॉयल आ गया। जल्दी से इलायचीज़ ऐड किए और अभी जल्दी से जी ऐड कर देते हैं पत्ती, थोड़ी सी और डालते हैं। चलो वापस ले जाते हैं इसको, याद हैं इसको कवर कर देते हैं। और दाल पड़ी थी मेरे पास थोड़ी सी, वो मैंने गर्म करने के लिए पैन में रखे। साथ में ब्रेड का स्लाइस लूँगी और यहाँ पे जी मैंने रखते हैं बॉयल होने के लिए अंडे। और साथ में जी इधर मैं बना रही हूँ निम्रा के लिए सैंडविच और इसको जी प्लग कर देते हैं और इसको कर देते हैं कवर ऊपर से। ये मैंने हल्का सा देसी घी लगाया था, फिर ब्रेड है ना क्रिस्पी क्रिस्पी बन जाती है। अब इसको कर देते हैं बंद, 1 2 3 हो जा बंद। ए नहीं होगा, कैमरा बंद करना पड़ेगा। हैदर के ना काम चेक करो, पीछे हाथ बांध के ना किचन में कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। तो ना इसके इधर घूमने फिरने से ना मुझे मेरे अब्बू की याद आ गई कसम से, कि मेरे अब्बू भी है ना हाथ पीछे बांध के ना कभी किचन में उधर चक्कर लगाते थे कभी उधर लगाते थे ना। बच्चों में ना अपने दादा दादी नाना नानी की ना झलकियाँ बड़ी नज़र आती हैं सच्ची में कसम से। अभी देखे 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 इसको ज़रा हैदर, ओ माँ सदकी जाए। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और जिनके माँ बाप जिंदा है अल्लाह पाक उन्हें लंबी लंबी उम्र दे और जिनके इस दुनिया से चले गए हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे जी मेरा नाश्ता एकदम से हेल्थी हेल्थी वाला रेडी हो चुका है और ये मेरी चाय है, ये निम्रा की चाय है। आपको पता है फ्रेंड्स हम पांचों बहन भाई ना जो चाय नहीं पीते थे ना, तो ना उमैस ने ना मुझे चाय पे लगा दिया, लेकिन है ना सैफ भाई ना आज तक शमसाबाजी को चाय पे नहीं लगा सके। पता नहीं क्यों, हम जो जितने भी मेरे ससुराल में ना अम्मी अब्बू हम सब लोग चाय बहुत शौकीन से पीते हैं। वासफ ने अब चाय पीना छोड़ दी है, वो नहीं पीता क्योंकि उसको ना स्किन के ऊपर पिंपल आते हैं। वो कहता मैंने नहीं पीना बाजी, मुझे दूध इरीटेट करता है। लेकिन बाकी हम सब बड़े शौक से पीते हैं और मैस ने मुझे भी चाय पे लगा दिया। अभी मैं चाय ना पीऊँ, सुबह उठते ही एक कप चाय का ना मिले तो सारा दिन सर में दर्द होती है। तो अभी जल्दी से करते हैं जी नाश्ता, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स अभी मैं आ चुकी थी किचन में जी वापस। तो मैं यहाँ पे बनाने लगी थी जी पनीर, बटर पनीर। और पनीर को मैंने ऑलरेडी मैरिनेट ना सुबह ही करके रख दिया था। मैंने कहा अभी थोड़ी देर फ्रिज से निकाल के बाहर रख देते हैं, थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में आ जाए, फिर इसकी कुकिंग करने शुरू करेंगे। और जी फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैंने वासिफ को भेजा था, वासिफ ने मुझे ला के दिए हैं हरी मिर्चें और टमाटर स्पेशली, जिसकी ना ये रेसिपी स्पेशल बनती है। इसमें टमाटर बहुत ज़्यादा डलते हैं, मैं प्यूरी नहीं यूज़ करती, जो फ्रेश टमाटर का टेस्ट होता है ना वो फिर आपको पता है उसकी बात ही अलग होती है। और साथ में मैंने कहा था बनाना भी लेते हैं ना, नहीं है चलो चलो निकलाओ। चलिए अभी जल्दी से इनको समेटते हैं। 2 पाउंड मुझे टमाटर चाहिए थे, तो फिर मैंने ये 2 पाउंड है मैंने वेट स्केल पे चेक किए थे, उसके बाद मैंने इनको वाश किया और वाश करने के बाद देखिए इनको कट ऐसे लगा लिया। तो अभी यहाँ पे पानी मैं भर रही हूँ। टमाटर बॉयल हो चुके थे, अभी मैंने जल्दी से इनका ना छिलका उतार लिया। मैंने कहा गरम गरम है तो जल्दी से उतर जाएगा और फिर साथ साथ मैं ब्लेंडर में ऐड करती जा रही हूँ। मैं आगे सोच रही हूँ, मैं हम औरतों की ज़िंदगी यही होती है, खाना पका लो बैठ जाओ बच्चों को देख लो बच्चों को शावर दे दो बच्चों को पढ़ा लो, बस यही सारा दिन करते करते गुजर जाता है, स्पेशली जो हाउसवाइफ होती हैं उनकी ना। लेकिन जो वर्किंग वूमेन होती हैं उनकी ज़िंदगी ना हाउसवाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट होती है, फिर काम पे जाना थोड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिस हाल में भी अल्लाह पाक रखे। अभी जल्दी से जी इसको ऑन करके इसका बना लेते हैं पेस्ट। यहाँ पे जी फ्रेंच बटर चिकन एकदम से रेडी हो चुका था। अभी जो है फाइनल लुक मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं अभी नमाज़ पढ़ के आई थी, साथ साथ कुकिंग करी थी, साथ साथ नमाज़ पढ़ी थी, साथ साथ बच्चों को देख रही, सारी अपनी जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना एक साथ मैं सारी इकट्ठी की इकट्ठी करी थी। और ना फ्रेंड ये देखिए फाइनल लुक अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। 1 2 3 ये देखिए जी मज़ेदार।
इसको एक बार आप लोगों को हिला के दिखाती हूँ। बटर पनीर एकदम से रेडी है। अभी मैं इसकी ना आँच भी बंद कर देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पक चुका है, क्योंकि पनीर है, पनीर का क्या पकाना है, चीज़ ही है ना, चिकन हो तो फिर ज़रा होता है कि अच्छे से पक जाए अंदर तक। अभी आँच को कर देते हैं जी बंद और इसको कर देते हैं जी कवर, और मैं इसको ऊपर जाके उठा के लेके आते हैं, भाई लोगों को खाना दे के आते हैं। और हम लोगों ने क्या करना है, आज रोटियां इसके साथ अच्छी नहीं लगेंगी, और साथ में जाते हैं इंडियन स्टोर से, वहाँ से लेंगे नान, भाई लोगों को भी नान दे देंगे साथ में बटर पनीर, और हम लोग भी नान और बटर पनीर का डिनर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी जल्दी से चलते हैं और मैं इसको उठाते हैं। लाइट ऑन करो, बाइक की भी ऑन कर दो। चलो जाने लगे हैं अभी जी, पहले इंडियन स्टोर पे जाएंगे और फिर ड्रॉप करेंगे जी खाना। हम स्टोर को खाना दे रहे हैं, पापा का स्टोर। खाना ड्रॉप कर दिया, अभी हम लोग जाने लगे हैं जी घर वापस, और खुद भी इतनी भूख लगी है, नान भी ले लिए थे ये देखिए, और भाई लोगों को भी नान ही दिए थे। अभी बस जल्दी से निकलते हैं। अभी यहाँ पे जी स्टारबक्स पे आए हैं और काफ़ी लेंगे, और देखिए इतनी प्यारी सी रात है, खूबसूरत सी चांदनी रात है, वो देखिए सामने चांद चमक रहा है, लाइटों की वजह से ना थोड़ा सा ना क्लियर नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इतनी खूबसूरत सी रात है ना। आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पर एंड करेंगे, वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे बहुत अच्छी अच्छी सी वीडियो आने वाली है और आप लोग बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।